तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत। जी हां, विदिशा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक ही पिता की 3 संतानें दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई हैं, जिसमें तीनों मासूमों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना विदिशा जिले की लटेरी क्षेत्र के 79 थाना क्षेत्र के ग्राम कालादेव की है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने साइकिल पर सवार 3 मासूमों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मासूम के परिजन खेत पर फसल काटने गए थे, वहीं बच्चे खेत से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रफ्तार बोलेरो वाहन ने मासूमों को टक्कर मार दी, जिसमें निक्की, विशाल और सौरभ तीनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ड्राइवर गाड़ी घटनास्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने तीनों के शवों को लटेरी अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। ये थाना उना से लेकर भंगार से थाना क्षेत्र में कालादेव आ पड़ता है। कालादेव के जो फतेह सिंह अहिरवार, उसके लड़का है विशाल, निक्की और सौरभ, ये तीनों खेत से साइकिल से चल के घर आ रहे थे वापस। पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई, उसके नंबर है NP08T2398। उसके चालक ने टक्कर मारी, जिससे दोनों की, तीनों के बच्चों की मौके पर ही मृत्यु। गाड़ी कहाँ की है, किसकी? गाड़ी काला पठार के रहने वाली, गाड़ी के नंबर मालूम। अब जांच।